वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तस्खीर। इस वीडियो में मैं देख रहा हूं, रिएक्ट करने वाला हूं, हु वाज आयशा अकरम एंड व्हाट शी वाज डूइंग एट मीनारे पाकिस्तान। आयशा अकरम के इंटरव्यू पर मैंने रिएक्शन वीडियो किया था पिछला वीडियो, तो उसमें बहुत सारे लोगों के मिक्स कमेंट्स आए कि उसने अपनी पब्लिसिटी के लिए किया है, ऐसे किया है, वैसे किया है। पब्लिसिटी के लिए कोई इज्जत उछाल नहीं देगा और अपनी इज्जत को नीलाम नहीं कर देगा पब्लिक में जाके इतनी बड़ी जगह पर उस मौके पर 14 अगस्त को। तो ये बकवास करना छोड़ें, थोड़ा दिमाग से सोचें कि गलत हुआ है तो उसको एक्सेप्ट करें और गलत का साथ देने के बजाय इंसाफ की बात करें तो अच्छा होगा। तो इस वीडियो को देखते हैं, बाकी बात हम करेंगे बाद में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आज की वीडियो में मेरे से कुछ अच्छा एक्सपेक्ट ना करना। आज की वीडियो में मेरा दिमाग हुआ है खराब, तो किसी को अगर बुरा लगने की तवक्को है, वीडियो अभी स्किप कर दे, अभी छोड़ दे, अभी अनसब्सक्राइब कर दे, मुझे कोई परवाह नहीं है। आज मुझे शर्म आ रही है अपने पाकिस्तानी होने पे। आप यकीन कीजिए, मैं प्राउड पाकिस्तानी हूं, मगर इस माशरे का हिस्सा होते हुए आज मेरा सर शर्म से झुका हुआ है। मैं लानत भेजता हूं ऐसी मर्दानगी पे, मैं लानत भेजता हूं ऐसे मर्दों पर। खुदा की कसम, आज मेरा दिल बहुत भरा हुआ है। मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद थी, मुझे अंदाजा इस बात का था कि यार हमारे लोगों में गंदे लोग हैं, चंद एक मेजॉरिटी अच्छों की है। 400 मर्द मिलकर अगर एक औरत को चीर फाड़ रहे हो, 400 मर्द, उनमें से एक भी हलाली नहीं था, उनमें से एक भी एक बाप का जना नहीं था जो उस बच्ची को बचाता। और लनत है यार ऐसे मर्द के माशरे पे। आज मेरे मुंह से कुछ अच्छा नहीं निकलना। मेरे पास वीडियोस है, मैं दिखाऊंगा आपको। जिसको शर्म आती है अभी छोड़ दे, जिसको बुरा लगता है अभी छोड़ दे, जो मम्मी डैडी जिसके दिल के अंदर ये बात आती है कि ना ओहो हमारा इमेज खराब कर दिया, अभी चला जाए मेरा चैनल छोड़ के। मुझे नहीं चाहिए वो बंदा, मुझे नहीं चाहिए वो सब्सक्राइबर। मैं वीडियो दिखाऊंगा, मैं इस माशरे के काले मुंह का जो काला चेहरा है मैं बार बार दिखाऊंगा। वो 400 मर्द मिलकर एक लड़की को चीरते फाड़ते हो, उसके उसके जिस्म का जो हिस्सा हाथ में आ रहा है उसको दबोचते हो, और तुम्हें शर्म नहीं आती है? बेगैर तो खुद को मर्द कहलाते हो। लानत ऐसी मर्दानगी पे। मैं खुद समेत इस ऐसे हर मर्द पे मैं लानत भेजता हूं। हम लोग मर्द हैं ही नहीं, हम पाकिस्तानी मर्द अब बन गए हैं जलखे। हमारे गलियों में, कूचों में, मोहल्लों में औरत महफूज नहीं है। चूड़ियां पहन लो चूड़ियां। अफगानिस्तान की तालिबान की जीत का जश्न मनाने वालों, वो फिर भी मर्द है। वहां पे औरत अपने आप को गैर महफूज महसूस नहीं करेगी। तुम हैवान हो, हैवान, तुम्हारे मुंह से झाग निकल रही होती है औरत देख के। अगर मैं दरख्त पर भी औरत लिख दूंगा ना, दरख्त पर भी अगर मैं औरत लिख दूंगा, तुम अपने आप को रगड़ने लग जाओगे उस दरख्त से। तुम इतने बेगैरत हो गए हो। ये बात बिल्कुल सही, शर्म आती है खुद को पाकिस्तानी मर्द कहते हुए। यहां तक 400 लोग एक लड़की के साथ करते हैं यार, यहां तक चली गई है। थू है। ये वीडियो देखें आप और फैसला फिर आप करें। एक नहीं है, बेशुमार वीडियोस हैं, सारे दिखाऊंगा आज को मैं आपको। देखें और फैसला करें, क्यों गैरत नाम की चीज बाकी रह गई है। एक वीडियो में आपने देखा है कि वो लड़की आराम से जा रही है, टिकटॉकर है यार, टिकटॉकर है, मीनारे पाकिस्तान गई टिकटॉक बनाने। अब इस वक्त कुछ शगुफे आएंगे नीचे कमेंट करने के लिए, जहर लगते हैं मुझे ऐसे लोग। यार ये टिकटॉक क्यों बना रही थी? क्यों? क्यों तेरे बाप का मुल्क है ये? वो जो मर्जी करे, तू कौन होता है उसके जिस्म को नोचने वाला? वो टिकटॉक, मुझे जहर लगता है टिकटॉक। मैं कहता हूं टिकटॉक को बैन रहना चाहिए। टिकटॉक बना रही थी, वो जो मर्जी कर रही थी, वो भले अकेली थी, जानवरों के माशरे में रहती है, वो जंगल में रहती है, वो तेरा क्या हक बनता है कि तू उसकी इज्जत पे हाथ डाले? वो अगर नंगे सर आई, वो टिकटॉक बना रही है, उसका बाप जवाब दे, उसका भाई जवाब दे, उसका शौहर जवाब दे होगा क्यामत वाले दिन, वो अपनी कब्र में जाएगा। ये बकवास ना कर यहां बैठ के कि वो तो ये कर रही थी, वो तो वो कर। 400 मर्द मिलके, एक वीडियो है मैं आपको दिखाता हूं, और उसमें एक बच्चा, छोटा बच्चा, वो मदद, वो भी कोशिश कर रहा है कि उसके हाथ में भी उस औरत का कोई ना कोई उसका जो पार्ट है वो आ जाए। अच्छा ये देखो, एक बच्चे की उन्होंने बताया कि
मुझे लगा ये बच्चा मदद देख लिया इस कौम की नफ्सियात, मुंह से राले औरत को देख के बच्चा, वो इस बच्चे के तो अभी तो इस बच्चे का तो अजाय मखसूसा काम नहीं करता होगा सही तरह से, ये बच्चा भी ठरक झाड़ रहा है। मैं तो आज करूंगा खुली बात, किसी को लगे अच्छी किसी को लगे बुरी, मेरी बात पसंद नहीं आ रही छोड़ जाओ, क्योंकि आपको ना अपना काला चेहरा, इस माशरे का काला चेहरा, भयानक बदनुमा भद्दा चेहरा देखने की आदत नहीं है। हमें क्या चाहिए, हमें अच्छा अच्छा सब चाहिए। हम अहमद शाह अब्दाली के, हम सलाउद्दीन अयूबी, हम मोहम्मद कासिम, फिटे वो तुम्हारा, तुम उनकी जूतियों के बराबर भी नहीं हो यार, कमाल बातें करते हो। और भी बेशुमार वीडियोस हैं, उस औरत को उसके कपड़े उतर गए हैं, उसके कपड़ों को फाड़ा जा रहा है, उसके गोश्त को हाथ लगाया जा रहा है, उसके गोश्त को हाथ लगा के, उसके बॉडी पार्ट्स को हाथ लगा के जिनसी तस्कीन मिल रही है इस भेड़िए मर्द को। इस पाकिस्तान, अब कहेंगे भाई पाकिस्तानी मर्दों को बुरा मत कहो, तू बड़े थे सबीला लाइया ने लोगों की खिदमत करना है, तू ये तुम्हारा अक्स है, याद रखना ये तुम्हारा अक्स है। मुझे वहां पे बैठ कर कहता है ना कि माशरे में ज्यादती के केसेस बढ़ते हैं अगर औरत के जिस्म पे लिबास कम हो तो, उसको दिखाओ ये वीडियो, पूरे कपड़े में थी ये, दिखाओ उसको वीडियो के शिकारपुर में, दो दिन पहले मैं वीडियो नहीं कर सका उस पर, दो दिन पहले शिकारपुर के अंदर एक कब्र से औरत को निकाल के उसकी ज्यादती की गई, उसने कफन पूरा पहना हुआ था, दिखाओ इस्लामाबाद में बैठे हुए आदमी को, दिखाओ उस इस्लामाबाद वाले को जो कहता है कि औरत के जिस्म पे पूरा लिबास अगर कम लिबास हो तो उसमें रेप बढ़ता है, बताओ उसको कि ज्यादती करने वाला शहवत की वजह से ज्यादती नहीं करता, ये बीमार होता है, बताओ जाके उसको। मुझे हकायक से नाबल्द बैठा हुआ है वहां पे इस्लामाबाद में एक शख्स, मुझे समझ नहीं आ रही यार मैं क्या मातम करूं, मैं क्या नोहक करूं इस कौम का, ये इतनी बेगैरत हो गए हम लोग यार, हम इतना नीचे गिर सकते हैं। आज मुझे अपने, मेरी दो बेटियां, मैं अपनी बेटियों की आंखों में आंखें डाल के नहीं देख सकता, वो कहेगी ये बाबा ये मर्द है, क्योंकि मैं भी अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से मैं भी एक मर्द हूं, और यकीन कीजिए मुझे अफसोस हो रहा है आज अपने मर्द होने पे, अगर ये मर्द होना है तो लानत है ऐसे मर्द होने पे। हम मिसालें देते हैं उनकी, हम मिसालें देते हैं साहबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अजमईन की, वो थे मर्द कि जिनके माशरे के अंदर एक औरत अपने आप को महफूज तसव्वुर करती थी। आज मेरी माए बहनें बेटियां वो ये मंजर वीडियो पे देख रही हैं, क्या सोचती होंगी इस मुल्क के, इस माशरे के मर्द, ये डर पैदा होता है। किसी की बहन आ जाया करती थी ना लड़ाई झगड़ों में, कत्ल के लड़ाई झगड़ों में, पिंडा थावा चेंज होता सी, कत्ल के झगड़े आज लोगों ने अपनी भैन मावा नू लाया आना, लोगों ने कहना यार माफ किया, उदी मां आ गई सी, उदी भैन चल के आ गई सी, उन्होंने औरतां चल के आ गए सन, साढ़े बूए ते लोकी माफ कर दे सन, कतल माफ कर देंदे सन। ओए खुदा के बंदो किस माशरे की तरफ चल पड़े हो, ओए वेस्ट को बुरा भला कर, अमरीका मुर्दाबाद, हम अमरीकी माशरे के खिलाफ है, अमरीका बेरारवी का माशरा है अमरीकी माशरा, और तुम्हारा माशरा क्या है भेड़ियों दरिंदो, जंगल में छोड़ना चाहिए ऐसे मर्दों को। 400 बंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, 400 मर्दों के खिलाफ, शर्म की बात है, डूब मरने का मकाम है। मेरे पास इसके अलावा और कोई अल्फाज नहीं है जी, अल्लाह हाफिज़। वीडियो बहुत सही था, बहुत ही मतलब अंदर से भड़ास निकल रही थी, और ऐसे बहुत सारे लोगों के अंदर भड़ास होगी जो निकाल नहीं पा रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं इनकी तरह जो निकाल लेते हैं, सोशल मीडिया पर आकर निकाल लेंगे भड़ास, और सच्चाई को सामने रखने की कोशिश की ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है। आप टिकटॉक को ब्लेम नहीं कर सकते, बहुत सारी ऐप्स चल रही हैं, व्हाट्सएप, कॉलेज में आ रहे जा रहे लोग हैं, और जो ज़रिए हैं बहुत सारे हैं बिगड़ने के, वो इंसान पर ख़ुद पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से रास्ता निकालते हो बिगड़ने का, या फिर अपने मकाम पर सही से डटे रहने का। तो वो चीज़ें आप ब्लेम नहीं कर सकते, जो ब्लेम करते हैं वो खुद को बचाते हैं, अपनी ज़हनियत को बचाते हैं कि हाँ
उस लड़की ने गलत किया या वो लड़की टिकटॉकर थी या फिर ये था वो था, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, 400 लोगों ने, 400 मर्दों ने ऐसा क्यों किया। चलो वो लड़की अगर ऐसा बोलने वाले लोगों के लिए मान भी लिया जाए कि हाँ चलो गलत थी, ठीक है वो कोई भी थी, तो क्या इस्लाम ये इजाज़त दे देता है कि उस लड़की के साथ इस तरह से करो, इससे जन्नत मिल जाएगी? ये दीन है? ये आज़ादी है? आखिर है क्या चीज़ ये? किसने इनको ये बोल दिया कि तुम टिकटॉकर के साथ ऐसा कर सकते हो, तुम्हें आज़ादी है, तुम्हें जन्नत फिर भी मिल जाएगी, तुम कुछ भी बदसलूकी करोगे उसके कपड़े उतार दोगे, तुम्हें इस्लाम की रहनुमाई करने वाले बोला जाएगा, या फिर तुम्हारा उन बहुत सारे बड़े बड़े बादशाहों में नाम होगा जिन्होंने कुर्बानी दी है इस्लाम के लिए, या फिर इस्लाम के लिए कुछ किया है। तो इस तरीके से अगर जन्नत मिल रही होती तो आज लड़कियां या फिर कोई भी बाहर निकलने से पहले मतलब अभी भी सोचती हैं, डर उन्हें अभी भी लगता होगा, लेकिन वो उनको निकलने नहीं दिया जाता, घर में जा जाकर मारा जाता, बदसलूकी की जाती अगर इसी काम को करने से अगर जन्नत मिल रही होती मर्दों को। तो सवाल ये है कि ये गलत है तो गलत है, फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस फील्ड से आती है लड़की, क्या करती है और क्यों गई थी, किस लिए गई थी, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों महफूज नहीं है ये सवाल है असली। तो उन्होंने एड्रेस किया एक पॉइंट पर इमरान खान की बात को कि उनको समझाओ और ऐसा करो, तो मैं ये कहूँगा कि उनका मतलब और था और वो भी सही था अपनी जगह पर कि अगर छोटे कपड़े इम्पैक्ट डालेंगे या नहीं डालेंगे, वो डालेंगे ज़रूर, एक जगह बुरका और एक जगह सेम ही जगह पर दो लड़कियां खड़ी करी जाएं तो लोगों की नज़र ज़्यादा कम कपड़ों पर जाएगी, ये जाहिर सी बात है। तो आप ये देखें कि इस लड़की ने कुछ भी नहीं पहना था, सही कपड़े पहने थे, मतलब ठीक ठाक कपड़े पहने थे और बुरे कपड़े नहीं पहने थे, रिवीलिंग ड्रेसेस नहीं पहनी थी इस लड़की ने, फिर भी इसके साथ ऐसा हुआ। तो ये मेंटेलिटी और ये जो बीमारी है वो दिमाग में फैल चुकी है, का नाम भी ले दो तो दिल मिला जाएंगे, मर्द कुछ इस तरह से उस हद तक पहुँच गए हैं। तो ये बात सच है, इस चीज़ को बदलने की ज़रूरत है, बाकी चीज़ों को नहीं। बच्चों के साथ हो रहे हैं और शादीशुदा औरतों के साथ हो रहे हैं, तो क्या वो बदल जाएगा एप्लीकेशन बैन करने से या फिर इन लोगों को रोकने से? ये सवाल आपसे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।